फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। टाइम वेस्ट नहीं करना, फटाफट से बताना। देखो, हम जब कुछ अच्छी चीज़ें लेते हैं तो आपको बताते हैं, सेम वैसे अगर हमारा एक्सपीरियंस किसी चीज़ के लिए खराब निकल गया तो वो भी आपको बताना है, क्योंकि जब हम वीडियोस बनाते हैं आप देखते हैं, उसके बाद ही आप लोग लेते हैं, इतना प्यार देते हैं। मैंने मंगाया था प्लम का एक राइस वाटर का सीरम मंगाया था। ये मैंने आप लोग को नायका हॉल में अपने दिखाया भी था, पुराने नायका हॉल में। बट जब ये मेरा पूरा फिनिश हो गया, हार्डली इसमें कुछ नहीं तो शायद एक या दो बार का बचा होगा, है नहीं आ नहीं रहा इसमें। देखो, फिनिश ऑलमोस्ट फिनिश है। अब मैं आपको इसके बारे में बता दूं, मैंने इसको मंगाया था, ये मुझे पड़ा था 450 के अंडर ही है, 450 पड़ा था शायद, यस 450 का पड़ा था। और इसको जब मैंने मंगाया था तो मुझे लगा था कि मैंने प्लम की बहुत सी चीज़ें यूज़ की हैं, जैसे मैंने प्लम का फेस वॉश, प्लम का ग्रीन टी वाला सनस्क्रीन भी यूज़ किया है, और प्लम का अंडर आई क्रीम भी यूज़ किया था। अंडर आई क्रीम का तो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा नहीं था, मैंने शायद बताया नहीं बताया, मुझे नहीं ध्यान है। इवन इतना ख़राब उसका भी मेरा एक्सपीरियंस रहता है, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी नहीं बनाया था और वो एक्सपायरी हो गया, मैंने फेंक दिया क्योंकि मुझे कोई फ़र्क लगा ही नहीं था। अब मैं आपको बताऊँ, इसको मैंने इसलिए मंगाया था, मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा था मेरा स्किन ना बहुत ज़्यादा डल हो गई है, बहुत ज़्यादा ख़राब सी हो गई है, अच्छी नहीं रही है स्किन थोड़ा सा। प्लम की चीज़ें अच्छी होती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं होती हैं, आप खुद लेते होगे आप लोगों को पता होगा, बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं होती, एक्सपेंसिव भी होती हैं और ठीक ठाक होती हैं। और इसके बाद मैंने सोचा मुझे थोड़ा सा फ़र्क दिखेगा, बट कोई भी चीज़ अगर आप वन बॉटल फिनिश कर रहे हो तब तक तो आपको उसका थोड़ा बहुत असर दिखना चाहिए। भाई मुझे तो कोई असर नहीं दिखा, मैं ओपनली बता रही, इसका मुझे इतना भी असर नहीं दिखा। कभी जब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ तो लोग उसमें नेगेटिव कमेंट करते हैं, आप नहीं चाहते हो। मेरे पास एक कुमकुमाली का मैंने शेयर किया था तो उसमें किसी ने मुझे कमेंट किया था, आप जलते हो, आप नहीं चाहते हो कि हम लोग अच्छे लगे। भाई हम क्यों जलेंगे आपसे, हम तो आपको अच्छा बता रहे हैं कि ये चीज़ें अच्छी नहीं है तो इनको मत लो। अब मैं इसके बारे में बता दूं, ये पूरी बॉटल मैंने वेट किया कि जब तक ये ख़त्म होगा, मुझे थोड़ा भी लिटिल बिट ऑफ इतना भी दिखता असर ना तो मैं आपको नहीं बताती, मैं यही बोलती कि हाँ अच्छा है। क्योंकि देखो, आप वीडियोज देखते हो, आप लोग सोचते हो कि ये सही बता रहे हैं, बहुत ट्रस्ट करते हो हम पे, तो हमें सही ही बताना है, गलत नहीं बताना है आपको। तो मैं बता रही हूँ, अगर आप प्लम का राइस वाटर वाला ये सीरम ले रहे हो, ये मैं बहुत पास से आपको दिखा दूँ, तो आप इसको मत लेना। इसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब गया, मैं पूरा बॉटल फिनिश कर दी बट मुझे इसका कोई भी बेनिफिट 0.00 दिखा, मुझे कुछ नहीं दिखा। मैंने ये भी बोला था जब मंगाई थी बॉटल कि मुझे कैसा लगेगा मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही हम लोगों पर बहुत ट्रस्ट करते हैं तो उनका ट्रस्ट हमें नहीं तोड़ना है। तो ये अब मैंने लगाया, मैं सबसे पहले इसको बता दूं, अगर इसमें थोड़ा बहुत हुआ और आ गया तो ऐसे आएगा नहीं। ये देखो, ये काफ़ी थिक सा है, आपको जब इसको आप लोगे लगाने के लिए तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये चावल के आटे का है। फ्रेग्रेंस तो ऐसी, मतलब स्मेल फ्रेग्रेंस कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, बट आपको कुछ असर नहीं दिखेगा। अच्छा, इसको मैंने जल्दी फिनिश कैसे किया, क्योंकि मैं रेगुलर बेस पे इस टाइम इसको अपने मॉर्निंग रूटीन और नाइट रूटीन में दोनों फॉलो कर रही थी, इसलिए कि मुझे एक दोनों टाइम में इसलिए फॉलो कर रही थी क्योंकि मुझे जब इसका असर दिखता तभी मैं दूसरा मंगाती। हाँ मुझे थोड़ा सा असर दिख रहा है, दोनों टाइम में यूज़ कर रही हूँ, रेगुलर तो असर दिख रहा है। बेसिक ये सीरम प्लम का था, मैं सब कुछ यूज़ करती थी फेस वॉश के बाद, फिर मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, सब कुछ इसके बाद सब कुछ यूज़ करती थी सीरम के बाद, बट मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं दिखा। तो अगर इसमें जैसा इन्होंने ये बोल रखा है, ऑल टाइप्स सारी स्किन्स के लिए हैं जैसे इन्होंने बोल रखा है, अब इन्होंने ये बोला है यूज डे एंड नाइट। देखो मैंने देखा नहीं था इनका, बट इन्होंने बोल रखा है यूज डे एंड नाइट, आप रात में पैट टेस्ट। अच्छा, ये मैंने टेस्ट वेस्ट नहीं किया था, मैं ओपन नहीं बता रही, मैंने टेस्ट वेस्ट नहीं किया था। इन्होंने टेस्ट के लिए हर, वो तो हर ब्रांड बोलती कि आप पहले थोड़ा सा टेस्ट कर लो कहीं पे, बट मैंने जो यूज़ किया मुझे उसके बाद इसका कोई खास असर नहीं दिखा कि आपको स्किन आपकी हेल्दी लगने लगेगी, आपको स्किन आपकी ब्राइट लगने लगेगी, कलर में फर्क आने लगेगा, रिंकल्स कम होने लगेंगे। रिंकल्स वैसे भी भगवान की दया से रिंकल्स नहीं है, बट स्किन जो मुझे डल लग रही थी, मुझे अपनी ये एरिया ना, मुझे ये एरिया अपना बिल्कुल पसंद नहीं आता, बिकॉज ऑफ ये थोड़ा सा मुझे बचपन में मुझे माता जी निकल गई थी तो ये ब्लैक सा है तो मुझे नहीं पसंद आया। मैंने इसको यहाँ पे जो दाग था मैंने सोचा मैं लगाऊंगी, मुझे धीरे धीरे लाइट होने लगेगा, मुझे बहुत असर दिखेगा, बट मेरा एक्सपीरियंस यार इसके लिए प्लम की बहुत सी चीज़ें यूज़ की पर एक दो चीज़ों के लिए, इसके लिए तो मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर आप 500 के अंदर में ये मंगाना चाहते हो कि मैं एक बार ट्राई कर लूँ तो मत वेस्ट करना मनी, सिर्फ आपकी वेस्ट होनी है, इसमें कोई कुछ भी नहीं लगना। जबकि मैं वैसे ही लगाती थी जैसे लगाना चाहिए, दोनों टाइम लगाती थी, और जब ये मुझे आज लगा कि यार ये अब तो फिनिश होने को है बिल्कुल, शायद एक बार का इसमें शायद निकल आए या नहीं निकले, मुझे नहीं पता, वैसे नहीं निकलेगा क्योंकि है नहीं,
तो मैंने सोचा एक बार आप लोगों को क्यों ना बता दूं। ये बहुत ही ज्यादा अगर आप इसको लेने को सोच रहे हो तो आप मत लेना। मुझे मैं अपने लिए बताऊं तो मैं ये सोच रही थी कि मेरे फेस पे जो डलनेस वगैरह है, अगर आप एक नॉर्मल सीरम की तरह लगाना चाहते हो कि मेरे लेकर वेस्ट ही करना है तो अलग चीज है, बाकी अगर आप सीरम की तरह लगाना चाहते हो कि मुझे कुछ मेरे फेस पे कुछ अच्छा दिखेगा, कोई बेनिफिट दिखेगा, कुछ चीजें कम हो रही है, तो ये किसी चीज के लिए काम आने वाला नहीं है। ये सीरम मत मंगाना, इसके बॉटल पे मत जाना, क्वालिटी कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी एंड और कुछ भी नहीं है इसमें, तो ये मत मंगाना। मैंने इसलिए आपको बताया, कभी नहीं। तो चलिए, कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोगों को? आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैंने एकदम 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 सही बताया। देखो, हो सकता है सबकी स्किन अलग होती, किसी को बहुत सूट किया हो, बट मेरा एक्सपीरियंस यही है कि ये अच्छा नहीं है, तो मैं आपको लेने के लिए नहीं बोलूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।